हेलो फ्रेंड्स, हम ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पूछा गया है कि थ्री मेजर ऑपरेशन ऑफ लॉजिस्टिक के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए सीधा हम इस पे जा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमईएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। प्रोडक्शन कंट्रोल एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर थ्री मेजर ऑपरेशनल ऑफ लॉजिस्टिक। तो ये होता है मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट प्रोडक्शन, मटेरियल मैनेजमेंट प्रोडक्शन कंट्रोल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये थ्री मेजर ऑपरेशनल है लॉजिस्टिक के। कितने हुए हैं लॉजिस्टिक के, कितने हैं? प्रोडक्शन कंट्रोल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन कंट्रोल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरिया फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर लॉजिस्टिक मैनेजर। लॉजिस्टिक मैनेजर के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि लॉजिस्टिक मैनेजर के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉजिस्टिक मैनेजर के लिए क्या, लॉजिस्टिक मैनेजर के लिए क्या जरूरत नहीं है? तो इन्वेंट्री जरूरत है, जी हाँ। वेयर हाउसिंग इंपॉर्टेंट है, परचेसिंग इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लॉजिस्टिक मैनेजर की बात करते हो, लॉजिस्टिक मैनेजर के एरिया में इन्वेंट्री आएगा, वेयर हाउस आएगा, परचेसिंग आएगा, मगर मार्केटिंग नहीं आएगा। मार्केटिंग सेल्स वालों का काम है। पूछ रहा है कि डीआरपी क्या है, डीआरपी क्या है? तो डीआरपी एक डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग, डीआरपी, डी डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग, डीआरपी, डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग, डीआरपी, डीआरपी, डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड प्लानिंग। पूछ रहा है हमें कि इनमें से क्या इंक्लूड है? डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम टू कंट्रोल फ्लो मटेरियल। जब भी आप या फिर WIP, वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे फिनिश इन्वेंट्री हो, टू सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जब भी डैश डैश इंक्लूड डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की बात करते हो, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में डिजाइन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम, कंट्रोल ऑफ द मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, साथ ही साथ फिनिश इन्वेंट्री, ये सब बिजनेस को सपोर्ट करते हैं स्ट्रेटेजी के लिए। तो हमारा आंसर होना चाहिए था, हमारा आंसर होना चाहिए था ए, हमारा आंसर होना चाहिए था ए, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच इज द टाइम दैट इलेप्सिस बिटवीन इश्यूइंग रिप्लेसमेंट। जब भी आप रिप्लेसमेंट इश्यू कर रहे हो या फिर मटेरियल को स्टोर में रिसीव कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन में जो कुछ टाइम लग रहा है, जो कुछ टाइम लग रहा है, उसे आप कहोगे लीड टाइम। उसे आप क्या कहोगे? लीड टाइम। उसे आप क्या कहोगे? लीड टाइम, लीड टाइम। इन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन द ऑनरशिप इन विथ, इन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन द ऑनरशिप विन विथ। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में ऑनरशिप किसकी होती है? पूरी अभी तक तो गवर्नमेंट की ही है। नेक्स्ट, विच कंसेप्ट इज सिमिलर टू कंसेप्ट यूनिटाइजेशन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताइए जो सिमिलर है यूनिटाइजेशन के कंसेप्ट के साथ, साथ ही साथ सिमिलर ऑब्जेक्टिव है स्पेस रिडक्शन के लिए। तो वो है क्यूब मिनिमाइजेशन। क्यूब मिनिमाइजेशन में स्पेस को रिडक्ट किया जाता है, स्पेस को कम करते हुए एक ऐसी यूनिटाइजेशन कंसेप्ट को डेवलप किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मेजर इज टू अचीव। जब भी आप ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मेजर, ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मेजर की हमेशा अचीव किस लिए आप परफॉर्मेंस मेजर करते हैं? तो हमेशा परफॉर्मेंस मेजर कहाँ किया जाता है? जब भी परफेक्ट ऑर्डर मिले, जब भी परफेक्ट ऑर्डर मिले तो परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। परफॉर्मेंस मेजर, परफेक्ट ऑर्डर। आरओ, आरओ क्या है? ये आरओ, आरओ क्या है? रोल ऑन रोल ऑफ, रोल ऑन रोल ऑफ। हमें बताया गया है कि इनमें से किसे ऑफर करें, तो अपॉर्चुनिटी टू बाय डायरेक्ट फ्रॉम सप्लायर, डायरेक्ट फ्रॉम सप्लायर से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपका कॉस्ट भी कम होगा
और शॉर्टर साइकिल जिसमें कम समय में आप पहुंच सकते हैं, तो उसे कहते हैं डी डी सी डिस इंटरमिटेशन। क्या कहते हैं उसे? डिस इंटरमिटेशन। क्या कहते हैं उसे? डिस इंटरमिटेशन। ठीक है, डिस इंटरमिटेशन एक ऐसी संकल्पना है, एक ऐसी कंसेप्ट है जहां आप डायरेक्ट सप्लायर से बाय कर सकते हैं डिस इंटरमिटेशन से। ठीक है, जहां आपको यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि क्योंकि इसमें नाम में ही है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब बीच में से नाम में ही है। द पर्पज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की परचेज क्या हो सकती है? तो इसकी पर्पज है मेन कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पर्पज है कि इसे इंटीग्रेटिंग सप्लाई और डिमांड मैनेजर, डिमांड मतलब सप्लाई के साथ साथ डिमांड की भी मैनेज किया जाए, इंटीग्रेट पूरी तरह से। ये होता है, अब देखते हैं नेक्स्ट किसमें पूछ रहा है कि जब भी रिफर सप्लाई चेन प्रैक्टिस दैट स्ट्राइव रिड्यूस एनर्जी, एनर्जी की बात हो या इन्वायरमेंटल की बात हो, जब भी एनर्जी और इन्वायरमेंट को रिड्यूस करने की बात होती है तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं ग्रीन लॉजिस्टिक। क्या कहते हैं? ग्रीन लॉजिस्टिक, ग्रीन लॉजिस्टिक। हमें पूछ रहा है कि किसमें इन्वॉल्व होता है स्ट्रीमलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, स्ट्रीमलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस किसमें इन्वॉल्व होता है इन द टर्म ऑफ फिजिकल या इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी। तो कभी भी कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कराने के पहले हमें क्या करना होता है, उसकी एक चैनल बनानी होती है। क्या ये चीज़ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जिसे आपको क्या बना पड़ेगा? चैनल, चैनल इंटीग्रेशन कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? चैनल इंटीग्रेशन। हमें पूछ रहा है नेक्स्ट, विच इज़ द टास्क ऑफ बाइंग बाइंग गुड्स ऑफ राइट क्वालिटी। जब भी राइट क्वालिटी की बात हो, राइट क्वांटिटी की बात हो, राइट टाइम की बात हो, राइट प्लेस की बात हो, तो उसे कहते हैं परचेसिंग। उसे क्या कहोगे आप? परचेसिंग। क्या कहोगे आप? परचेसिंग। यहां पूछ रहा कि विच इज द प्रोविजन ऑफ सर्विस कस्टमर बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर परचेस। जब भी आप उस चीज को खरीदने के पहले, खरीदने के बाद या खरीदने के समय जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं? कस्टमर सर्विस। उसे आप क्या कहते हैं? कस्टमर सर्विस। रीअरेंजिंग और रीपैकेजिंग, रीअरेंजिंग और रीपैकेजिंग, ये हमेशा एज पर इंडिविजुअल ऑर्डर पे होता है। और ये कहाँ डिसाइड होता है? रीअरेंज रीपैक क्रॉस डॉकिंग में। कहाँ होता है? क्रॉस डॉकिंग में। जब भी क्रॉस डॉकिंग की बात होती है तो वहाँ रीअरेंजिंग रीपैकेजिंग की बात होती है। ब्रेक बुल वेयर हाउस परफॉर्म किसमें करता है? तो ब्रेक बुल शॉर्टिंग के लिए होता है, ब्रेक बुल शॉर्टिंग के लिए होता है, याद रखिए, ब्रेक बुल शॉर्टिंग के लिए होता है, ब्रेक बुल शॉर्टिंग के लिए। जब भी आप एक ऐसा टर्म बताइए जिसमें टू एनी आइडल रिसोर्सेस जिसकी यूज नहीं है, दैट कैन पुट इन टू द सम फ्यूचर यूज, अभी फिलहाल में तो यूज नहीं है मगर बाद में यूज होगा, तो वो उसे कहते हैं कि भैया ये हमारे पास स्टॉक है, बाद में बेचने के बाद हमें फायदा होगा, तो फ्यूचर में मिलने के बाद, उसे आप कहोगे स्टॉक या इन्वेंट्री। क्या कहोगे उसे? इन्वेंट्री, जो कुछ फ्यूचर में यूज हो, इन्वेंट्री। जब भी सिंगल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन की बात हो, जब भी सिंगल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन की बात हो तो उसे कहते हैं डीकपलिंग। क्या कहते हैं? डीकपलिंग, डीकपलिंग। कपल मतलब दो, मगर कपल नहीं है, मतलब ये निगेटिव कर रहा है। डी डी कपल मतलब सिंगल, डी कपल मतलब ही सिंगल, डी कपलिंग इज अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। प्रॉपरली डिजाइन, जब भी आप एक ऐसे डिजाइन बनाइए जिससे आपके टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके। टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट तभी कम होते हैं जब लॉजिस्टिकल नेटवर्क काम करते हैं। जब भी लॉजिस्टिकल नेटवर्क काम करते हैं उसी सिचुएशन में, लॉजिस्टिकल नेटवर्क में आपके लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम होते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि विच इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी एक मिल्क रन है। डिस्ट्रीब्यूशन नाम में ही दिया है कि मिल्क को क्या किया जाता है, आप लोग भी देखते हैं, मिल्क रन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
तो नाम में ये है कि मिल्क रन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। VMI क्या है? VMI वेंडर, M मैनेज इन्वेंट्री। VMI वेंडर मैनेज इन्वेंट्री, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री, याद हो गया होगा। अब जब भी आप द मेजर डिसीजन एरिया, जब भी आप डिसीजन एरिया की बात करते हो, ऐसे सिचुएशन में चेन मैनेजमेंट किस हिसाब से सप्लाई करता है? तो हमें देखना होता है कि सबसे पहले कहाँ लोकेशन क्या है आपका। लोकेशन से आप बनाते हो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से इन्वेंट्री। लोकेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री, ये मेजर डिसीजन एरिया है चेन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के डिसीजन लोकेशन, लोकेशन प्रोडक्शन, लोकेशन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री, लोकेशन प्रोडक्शन, लोकेशन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री, यही होता है मेजर डिसीजन। लोकेशन प्रोडक्शन डिसी लोकेशन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री विच इज़ अ कंसर्न विद अ फर्म एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट इन टाइमली मैनर। टाइमली मैनर विच इज़ कंसर्न विद फर्म एबिलिटी, फर्म की एबिलिटी किस पे होता है? जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, और वो भी टाइम टू टाइम सर, जैसे उनको रिक्वायर्ड हो। तो आप कोई चीज़ बहुत जल्दी पहुंचा दे रहे हो तो उसे कहोगे आप रैपिड रिस्पॉन्स। जब आप रैपिड रिस्पॉन्स देते हो, जब आप रैपिड रिस्पॉन्स देते हो किसी भी कंसर्न से, तो आपको फर्मली एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए टाइमली मैनर के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत हो जाती है। बाइंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जब भी जैसी ज़रूरत है उतना ही आप मंगा रहे हो, उसे क्या कहोगे? सीजन, शेड्यूल, टेंडर, हैंड टू माउथ। तो उसे कहा जाता हैंड टू माउथ बाइंग। हैंड टू माउथ, जितनी ज़रूरत उतना ही मंगाया, जितनी ज़रूरत उतना ही मंगाया, हैंड टू माउथ बाइंग, हैंड टू माउथ बाइंग। फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ पिगी बैग, पिगी बैग में कौन नहीं होता? लैश टाइप में नहीं होता। तो TTFC, COFC, TOFC ये पिगी बैग में होते हैं। स्पेशल पर्पज ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आर यूज इन, जो पिछला क्वेश्चन था वो हमने डिटेल क्वेश्चन में देखे हैं, तो एक बार आप डिटेल्स वीडियो पूरा देख लीजिए। स्पेशल पर्पज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आर यूज इन, स्पेशल पर्पज मटेरियल, स्पेशल पर्पज मटेरियल जिससे हैंडलिंग हो, इक्विपमेंट को अच्छी तरह से हैंड हो जाए, तो उसे कहेंगे लाइन लेआउट। क्या कहोगे आप? लाइन लेआउट। क्या कहोगे आप? लाइन लेआउट। जब भी स्पेशल पर्पज से मटेरियल को हैंडल किया जाता है, ऐसे सिचुएशन में जो भी इक्विपमेंट यूज होगा उसे कहते हैं लाइन लेआउट, स्पेशल पर्पज लाइन लेआउट। एक ऐसी सिस्टम बताइए जहाँ पे डिजाइन आफ्टर एनालिसिस, डिजाइन आफ्टर एनालिसिस द नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी नीड थी ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी नीड थी डिजाइन आफ्टर एनालिसिस द नीड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सा है? तो वो है मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग। EOQ में क्या होता है? हमेशा EOQ जब भी आए मिनिमाइज आंसर होता है। EOQ इज ऑर्डर क्वांटिटी विच इज रिजल्ट इन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो होता है मिनिमाइज, तो मिनिमम कॉस्ट। EOQ मिनिमम, EOQ मिनिमम। रीऑर्डर लेवल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, रीऑर्डर किस पे डिपेंड करता है? लीड टाइम, और लीड टाइम कैसा है? टू फैक्टर। रीऑर्डर तभी है सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, लीड टाइम, सेफ्टी स्टॉक, लीड टाइम में ही रीऑर्डर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द इनविजिबल एलिमेंट इन द सिस्टम विच इज द फैसिलिटेटर ऑफ अदर फंक्शन। विच इज द इनविजिबल एलिमेंट, ऐसा कौन सा जो दिखाई नहीं दे रहा है एलिमेंट, जो अपने सिस्टम में विच इज द फैसिलिटेटर टू द फंक्शन, मगर जिसकी वजह से फैसिलेट होता है फंक्शन, वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमें दिखाई तो नहीं देता है, मगर जिसकी वजह से बिजनेस को रन करने में आसानी होती है। अब आगे पूछ रहा है कि अगर रिमोट एरिया हो या हिली एरिया हो, ऐसे सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंट है? रोड, रेलवे, वाटर, पाइपलाइन। तो सही जवाब होगा रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट। फास्टेस्ट मोड कौन सा है ट्रांसपोर्ट का? एयर ट्रांसपोर्ट। व्हेन एयर इज अ ट्रांसपोर्ट इज अ यूज कॉम्बिनेशन विद रोड एंड ट्रेन, जब भी रोड और ट्रेन, एयर, एयर के साथ रोड रेल दोनों ही यूज होता है, ऐसे सिचुएशन को कहते हैं बर्डी बैग।
बर्डी बैग बर्डी बैग बर्ड कहते हैं, बर्ड पता ही है, एयर यूज हुआ है, एयर एयर हो ही चुका है कहीं, एयर बर्डी बैग, बर्डी बैग एयर, रेलवे ट्रेन, रेलवे के साथ साथ ट्रेन के साथ साथ रोड का भी बर्डी बैग। ऐसे कौन सी चीज़ है जिसमें लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे रेल, रोड ट्रांसपोर्ट, ये टू सेपरेट, और ये क्या करते हैं, कनेक्ट टू सेपरेट वाटर ट्रांसपोर्ट, इसे क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज, उसे क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज, क्या कहेंगे उसे, लैंड ब्रिज, मतलब रेल रोड के साथ वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो लैंड ब्रिज, क्या कहोगे, लैंड ब्रिज। जब भी आप लोग भी जब भी क्या करते हो, कहीं कहीं मॉल में गए तो आप एलिवेटर्स का यूज़ करते हो, जिससे क्या होता है, आपकी मूवमेंट वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर होती है, तो इसका आंसर होगा एलिवेटर। ऐसा बताइए जो मटेरियल को जनरली वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर भेजा जाए उसको बोलते हैं एलिवेटर, क्या बोलते हैं उसे, एलिवेटर। विच कैन मूव कार्टून लोड, जब भी कार्टून लोड की बात होता है या फिर पैलेट लोड की बात होती है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, विच कैन मूव, तो वो होता है फॉर्कलिफ्ट ट्रक में कार्टून को या फिर पैलेट लोड को आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे भी ले सकते हो, किसी भी प्रकार से लोडिंग करवा सकते हैं फॉर्कलिफ्ट ट्रक से। आप चलते हैं, देखिए, विच इज़ द रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर ऑर्डर इन गिविंग स्पैन टाइम, जब उन्हें स्पैन टाइम मिला है, अगर उन्हें स्पैन टाइम दिया गया है, रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हमारा होना चाहिए विच, यहाँ पे होना चाहिए फिल रेट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर ऑर्डर इन अ गिवन स्पैन टाइम, तो वो होगा स्पैन फिल रेट, उसे क्या कहेंगे, फिल रेट। जहाँ पे भी एनालिसिस पैरामीटर पे, क्लासिफिकेशन इन्वेंट्री पे काम करती है, प्राइस ऑफ मटेरियल पे काम करती है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एच एम एल एनालिसिस। क्या है, आप डिटेल में हमारी वीडियोस देखें। इन विच एनालिसिस क्लासिफिकेशन पैरामीटर इज नेचर ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई, तो वो है गोल्फ एनालिसिस में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामीटर ये सप्लाई में आपको नजर आ जाएगा। अब देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक प्रोसेस, लॉजिस्टिक प्रोसेस में क्या नहीं होता, जब भी लॉजिस्टिक प्रोसेस करना है तो आपको प्लान करनी होती है, प्लान करना है, गुड्स और सर्विस देना है, फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स निकालना है, सर्विस निकालना है, कंट्रोलिंग फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस इंफॉर्मेशन, ये सब तो करना ही है, मगर कस्टमर के आइडिया को न्यू प्रोडक्ट में नहीं आता लॉजिस्टिक प्रोसेस में, वो तो मार्केटिंग के प्रोसेस में आएगा। नेक्स्ट, 3PL क्या है, 3PL क्या है, 3PL एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है, 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को 3PL कहा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम का कौन पार्ट नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपटीटर नहीं है, सप्लायर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, इंफॉर्मेशन देने वाला भी होगा, मगर कंपटीटर नहीं होगा, ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ चुका है। अब देखिए, डैश डैश बॉटम अप, डैश डैश फॉरकास्टिंग अप्रोच के लिए, जब भी आप किसी चीज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आप डिसेंट्रलाइज अप्रोच कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं बॉटम अप फॉरकास्टिंग अप्रोच, बॉटम अप, आप जब भी आप डिसेंट्रलाइज अप्रोच करें उसे कहोगे बॉटम अप, क्या बोलोगे, बॉटम अप। ये पूछना है कि विच इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जब भी प्लानिंग की बात हो, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की बात हो, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, क्या अचीव करना चाहिए आपको, अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट जब भी करो उससे सिचुएशन में क्या प्लानिंग है, किस हिसाब से इंप्लीमेंट होगा, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की आपने क्या गोल अचीव किए हैं उस पे ध्यान दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जब भी आप किसी भी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को सिंपलेस्ट या चीपेस्ट फॉर्म में मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम यूज करते हो,
जब भी एक ऐसा मटेरियल सिस्टम, एक ऐसा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम जिसमें सिंपल और चीपेस्ट आपको मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम नज़र आए, उसे कहते हैं मैनुअल सिस्टम, उसे कहते हैं मैनुअल सिस्टम, उसे कहते हैं मैनुअल सिस्टम। क्या कहते हैं उसे? मैनुअल सिस्टम, मैनुअल सिस्टम। कन्वेयर बेल्ट, कभी भी कन्वेयर बेल्ट फैसिलिट कंटिन्यूस मूवमेंट मटेरियल ओवर, हमेशा कन्वेयर बेल्ट एक ही फिक्स जगह पे होता है, फिक्स रूट पे होता है। कन्वेयर बेल्ट फिक्स रूट पे होता है, कन्वेयर बेल्ट फिक्स रूट पे होता है। एबीसी किस पे फोकस करती है? एबीसी हमेशा इंडिविजुअल पे फोकस करती है, हाई लो मिडल, ऐसे इस पे फोकस करती है एबीसी। अब पूछ रहा है कि विच इज मेथड ऑफ सॉर्टिंग ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट इन यूनिटाइज और स्टैंडर्डाइज फॉर्म इन द कंटेनर, तो वो कौन सा होगा, वो कौन से होंगे? तो वो होते हैं, कंटेनराइजेशन। कौन से में होते हैं? कंटेनराइजेशन। जब भी कंटेनराइजेशन की बात होती है, जिसमें आपको सॉर्टिंग के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोडक्ट के साथ, आपको यूटिलाइज ऑफ स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ कंटेनर, जिसमें नाम में ही कंटेनर है कि कंटेनर की शॉर्ट, कंटेनर की ट्रांसपोर्ट, कंटेनर की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंटेनराइजेशन होते हैं। अब चलते हैं ना आगे। ऑकियर एक ऐसा बताइए, व्हेन कंपनी रिटेन, कंपनी जब भी एक बिजनेस टू परफॉर्म सम इट्स वर्क एक्टिविटीज, जब भी कंपनी अपने बिजनेस को परफॉर्म उसके वर्क एक्टिविटी से करती है, तो ऑक्योर व्हेन कंपनी रिटेन एंड अनादर बिजनेस, जब भी कंपनी अपनी बिजनेस से अलग काम करती है तो उसको बोलते हैं, या फिर कोई चीज़ अपना काम दूसरे को दे दे, उसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। क्या कहते हैं उसे? आउटसोर्सिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में।